नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए लक्ष्य आर्य का, क्योंकि स्वागत है आपका दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम इस हफ्ते में, जिसमें लेके आते हैं हम आपके लिए हफ्ते भर के कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला। इस हफ्ते जहां एक और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया, वहीं प्रदेश भर में खेल सप्ताह के अंतर्गत अनेकानेक खेलों के कार्यक्रम आयोजित किए गए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के नारे के साथ में प्रदेश भर के कृष्ण मंदिर गुंजायमान हो उठे इस कृष्ण जन्माष्टमी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर पे हुए विशेष कार्यक्रमों पर। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी और अक्षय पात्र मंदिर में बड़ी तादाद में भक्तों ने भगवान कृष्ण बलराम के नयनाभिराम दर्शन किए। वहीं नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर, करौली के मदन मोहन जी और राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सबसे बड़ा दिवस है हमारे हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। सुबह 4:30 बजे से ही यहाँ पर मंगला आरती शुरू होती है, उसके बाद में पुष्प आरती, 7 आरतियाँ, शाम तक शयन आरती 9 बजे होती है। वर्षों पुरानी परंपरा रही है, यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और ये आज से नहीं, ये वर्षों पुरानी परंपरा है, और काफ़ी सालों से भक्तों का दिन में यहाँ पर हुजूम लगा रहता है, वर्षों से मनाया जा रहा है। जयपुर के प्रसिद्ध श्री गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंगला आरती के साथ खुले दर्शनों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर में दिन के 12 बजे जन्मोत्सव मनाया गया और ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। छोटी काशी के मंदिर भक्तों के उत्साह और कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान हो उठे। गोविंद देव जी के आज पावन मौके पे है ना, बहुत सारी भीड़ रहती है, इनकी बहुत मान्यता रहती है, और हमने जो भी मांगा वो पूरा कान्हा जी ने जो दिया है हमें। आज मैं कान्हा मनाऊं, आज कान्हा जी का जन्मदिन है। मैं राधा हूँ। हम बच्चों को मंदिर लाए और ये राधा है, ये कृष्ण है, जय श्री कृष्ण। गोविंद देव जी का जब भी होता है, जन्माष्टमी के दिन आती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं विश करती हूँ, मेरे को वो भी, मेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है। कान्हा जी में मेरी बहुत सारी श्रद्धा है। जैसे भी मेरी, जैसे मैं परेशान होती हूँ, मेरा परेशान का हमेशा जल्दी से हल निकल जाता है, अपने आप ये सुन लेते हैं। बस मैं अपने मन में सोचती हूँ कि कान्हा जी मेरी इच्छा पूरी करना, तो तुरंत सुन लेते हैं कान्हा जी। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में भी जन्माष्टमी पर हर्षोल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रात 12 बजे 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं करौली में भगवान मदन मोहन जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कोटा में भी भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां सजाई गई। गीता भवन में 25 झांकियां बनाई गई, जिनमें 12 फीट लंबी पूतना की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। सभी आनंद लेने के लिए एकत्रित हैं, अद्भुत माहौल बना हुआ है। प्रभु का जब जन्म हुआ था बारिश हो रही थी, आज भी नाथद्वारा में घनघोर बारिश हो रही है, परंतु श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास में कोई कमी नहीं है। चारों तरफ उत्साह और उल्लास का वातावरण है। बहुत ही मजा आया आज जन्माष्टमी का, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल। यहाँ पे फर्स्ट बार हमें आया यहाँ पे जन्माष्टमी पे, बाकी हर समय दिवाली पे आते रहते हैं। बहुत ही भीड़ भाड़ है, बहुत ही मजा आया। जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव मनाया गया।
जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर राधा कृष्ण को नूतन पोशाक पहनाकर विशेष झांकी सजाई गई और महाआरती भी की गई। नंदोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाचते गाते बधाई लूटते नजर आए। करौली में नंदोत्सव को दचक दौनत के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर पूर्व राज परिवार के सदस्यों और मंदिर के गुसाइयों द्वारा भगवान का प्रसाद भक्तों में बधाई स्वरूप दिया जाता है। वहीं राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में भी परंपरा अनुसार नंदोत्सव पर मंदिर में केसर के दूध दही और छाछ से छिड़काव कर होली खेली गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सहित कई भजन गाए। खेल जरूरी है जीवन में, तन मन का करता है विकास, जीवन का बन के हिस्सा लाता है एक नया प्रकाश। हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी प्रदेश भर और देश भर में खेल सप्ताह के साथ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक अनेक आयोजन किए गए। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर और देश भर में आयोजित किए गए खेल सप्ताह के अंतर्गत अनेक अनेक कार्यक्रमों पर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिन 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन का प्रतीक है। राजस्थान में 26 अगस्त से 31 अगस्त तक खेल सप्ताह खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रत्येक दिन विभिन्न खेल जैसे कि दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक, सतोलिया, रस्साकसी, रूमाल झपट्टा, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और फिटनेस चैलेंज जैसे इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य है कि जो लोग खेल की गतिविधियों से जुड़े नहीं हुए हैं उन्हें खेल से जोड़ा जाए और स्वास्थ्य एवं फिटनेस के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं खेल सप्ताह के अंतर्गत सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेल परिषद के प्रशिक्षकों के साथ साथ सभी अधिकारी कर्मचारियों ने भी खिलाड़ियों के साथ खेल दिवस पर प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी की अगुवाई में प्रभात फेरी निकाली गई, जो सवाई मानसिंह स्टेडियम से शुरू होकर शहीद स्मारक विधानसभा से अर्जुन मूर्ति से होते हुए वापस स्टेडियम पहुंची। इससे पहले सभी ने मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। सुबह के सत्र में हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित किए गए बालक वर्ग हॉकी टूर्नामेंट में ध्यानचंद क्लब ने प्रताप क्लब को हराकर खिताब जीता। मैच के बाद सोहन राम ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दलजिंदर सिंह सहित खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। हमने पूरे राजस्थान में पूरी जनता समग्र नागरिकों से आग्रह किया है कि खेलों को अपनाएं, स्वस्थ रहे और फिट रहे। स्वस्थ राजस्थान रहेगा तो बढ़ेगा राजस्थान, ये हमारी थीम है। इसके पीछे ये हमारा उद्देश्य है, प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर हमने जो है प्रचार प्रसार किया है, कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं। सभी विभाग, सभी नागरिक, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सरकारी कार्यालय प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी आयु वर्ग के, कोई वृद्ध है तो उनके अनुकूल जो भी गेम होते हैं जिसमें कोई इंजरी की संभावना नहीं हो वो अपना सकते हैं, योग अपना सकते हैं, प्राणायाम अपना सकते हैं, छोटे छोटे जो परंपरागत खेल है वो अपना सकते हैं। चूरू में जिला स्टेडियम में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला स्टेडियम में बहुत सी रोमांचक तीरंदाजी प्रतियोगिताएं हुई जिसमें 30 से अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। इस तरह की चूरू जिले में पहली प्रतियोगिता हुई जिसमें रतनगढ़, सरदार शहर, राजगढ़ से भी प्रतियोगी आए, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों ही प्रतियोगी रहे और उन्होंने अपने अपने गुर दिखाए।
आयोजन का उद्देश्य था कि जो लोग खेल की गतिविधियों से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें खेल से जोड़ा जाए और स्वास्थ्य एवं फिटनेस के लिए प्रेरित किया जाए। आयोजकों ने बताया कि हमारी कोशिश है कि ग्रामीण स्तर पर भी खेल संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को भी बेहतरीन अवसर मिले। स्टेडियम में तीरंदाजी का मैच हो रहा है और यहाँ हमने तीरंदाजी का ये टूर्नामेंट आज चालू कर रहे हैं। यहाँ कम से कम 25-30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है, जिसमें सरदार शहर से, रतनगढ़ से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एज कैटेगरी होगी अंडर 19 और अंडर 17, अंडर 14, तीन एज कैटेगरी होती है, जिसमें एज कैटेगरी के अनुसार दूरी तय होती है। जैसे अंडर 14 में 20 मीटर और 30 मीटर होगी, अंडर 17 में 30 मीटर और 40 मीटर होती है, अंडर 19 में 50 मीटर और 30 मीटर होती है। इससे चूरू ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छा मैसेज आएगा। पहले ये प्रतियोगिता आदिवासी एरिया में हुआ करती थी, डूंगरगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, उस साइड में हुआ करती थी। अभी 3 साल से यहाँ प्रयास हुआ है, काफ़ी रिजल्ट भी मिले हैं और बहुत बढ़िया मैसेज आएगा। आगे स्कूल्स की प्रतियोगिताएं भी आ रही हैं, ओपन भी आ रही हैं, तो काफ़ी बच्चे भी इससे जुड़ेंगे और बहुत बढ़िया मैसेज आएगा। तीरंदाजी प्रतियोगिता का स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर मैं भी भाग ले रही हूँ और इसमें मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगी और आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं इंडिया खेलूँ। मुझे आज हमारे यहाँ पे प्रतियोगिता होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतना है और आगे भी मैं इंडिया में भी खेलना चाहता हूँ, ओलंपिक में भी खेलना चाहता हूँ और गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के खेल नायकों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित करने का भी अवसर है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं, जिनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 के उपलक्ष्य में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी नागरिकों से कम 1 घंटे के लिए आउटडोर खेलों में हिस्सा लेने का आह्वान किया। ये तो राजस्थान की चाहे फतेह सागर झील हो या आना सागर झील, दुनिया भर में एक अलग पहचान रखती है। परंतु डार्क जोन में एक कृत्रिम झील बनाकर डीडवाना कुचामन के राजकुमार माथुर ने एक इतिहास रच दिया है। राजकुमार माथुर के अथक प्रयासों से डार्क जोन होने के बावजूद डीडवाना कुचामन झील में एक कृत्रिम झील बनाई गई है। आइए देखते हैं नागौर से हमारे संवाददाता शबीक अहमद उस्मानी की ये खास रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले का नाम भी प्रदेश के उन जिलों में शुमार है जहां जल स्तर निचले स्तर पर है। जिले में प्राकृतिक जल स्रोत भी रीत चुके हैं। जिले में जल संकट इस कदर है कि सदियों से लोग खेती तो दूर, यहाँ पीने के पानी के लिए भी तरसते रहे हैं। ऐसे में डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी के भामाशाह राजकुमार माथुर ने अपनी निजी जमीन पर 1 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिद और जुनून के चलते कृत्रिम झील का ही निर्माण करवा कर जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 25 बीघा क्षेत्र में कृत्रिम झील का निर्माण करवा दिया, जो बरसात के पानी को अपने अंदर सहेज रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक कुचामन और आसपास के क्षेत्र में जल स्तर काफी नीचे चला गया था और आसपास की भूमि बंजर हो गई थी। उसके बाद भामाशाह राजकुमार माथुर ने कृत्रिम झील बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जमीन पर खुदाई करवा कर झील निर्मित करवाई। झील बनने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा। झील में पानी की पर्याप्त आवक हो, इसके लिए 2 किलोमीटर लंबी कैनाल का भी निर्माण करवाया। इससे आसपास की अरावली की पहाड़ियों और मैदानी क्षेत्र से बहता हुआ पानी इस झील में पहुंचने लगा और परिणाम यह हुआ कि झील पानी से लबालब हो गई, वहीं क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर भी बढ़ने लगा। कृत्रिम झील को प्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। 5 किलोमीटर के आसपास का पूरा सर्वे करा है, सर्वे करा के हमने अच्छी ड्राइंग बनाई,
टैंक बनाने के बाद में हमने केनाल बनाने का निर्णय लिया और साथ ही साथ हमने नेचुरल आर्टिफिशियल लेक बनाने के निर्णय लिया जिसका नतीजा आज हमारे सामने है, जिसमें करीब 10 लाख लीटर पानी हम सेव कर सकते हैं। उसी वाटर को हमने सिंचाई के लिए आगे ले जाने के लिए यहाँ पेड़ पौधों के रख रखाव के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने सोलर पैनल लगाए। ये जो 5000 पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ पूरी स्कीम में जो लगे हुए हैं, जो 40-40 फीट ऊपर है, वो सारे इसी रेन वाटर के हिसाब से है। मैं कहना चाहूंगा कि आज सभी लोग अगर इस चीज को समझ रहे, अगर प्रकृति का ऋण चुकाना है तो वो हमेशा 5 या 10 पेड़ पूरे साल भर में अपने परिवार के साथ लगाएं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे स्कूल हो, सामुदायिक केंद्र हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे अपना बॉक्स नाम हो, चाहे कब्रिस्तान हो, जहाँ भी आए, लेकिन अपने फैमिली के साथ जरूर जाएं। झील बन जाने के बाद बरसात के दिनों में इस झील में पानी का अच्छा खासा भराव होता है जो साल भर तक इस क्षेत्र की पानी की कमी को दूर करता है। इस झील से क्षेत्र में विचरने वाले पशुओं को जहां पेयजल सुलभ हो रहा है, वहीं इससे हरियाली को भी बढ़ावा मिल रहा है। झील के पानी से क्षेत्र में लगाए गए 5000 पेड़ पौधों को इस झील से पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे जहां क्षेत्र में पौधारोपण और हरियाली को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर भूख भरिए जल स्तर भी बढ़ने लगा है। इस झील के निर्माण से पानी की अच्छी आवक होने से अब यहां नौकायान शुरू करने की योजना है। आज के दौर में जहां लोग पारंपरिक जल स्रोतों को नष्ट करने में लगे हैं, वहीं कुचामन में यह कृत्रिम झील जल का बड़ा स्रोत बन सकती है। वहीं वाटर हार्वेस्टिंग के लिहाज से भी अनूठा उदाहरण है, साथ ही पौधारोपण की दिशा में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। आज स्कूलों में जितना महत्व शैक्षणिक गतिविधियों का है, उतना ही महत्व सहशैक्षणिक गतिविधियों का भी है। 7वें चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन प्रदेश भर के अनेक स्कूलों में किया गया, जिसके अंतर्गत स्कूलों में छात्र छात्राओं को फिल्में दिखाई गई। ये फिल्में महिला सशक्तिकरण, देशभक्ति से जुड़े विषयों पर थी। इनसे न केवल बच्चों में क्रिएटिविटी और फिल्म प्रोडक्शन के गुर सिखाए गए, अपितु साथ ही साथ में अनेकानेक विषयों की जानकारी फिल्मों के माध्यम से दी गई। आइए नजर डालते हैं हमारी इस स्पेशल स्टोरी पे। कभी दृश्य देखने की नजर बालमन और अबोध हो, ऐसे में उस दृश्य को देखने की जो ललक होती है वह ज्ञान से अनुभव को जन्म देती है। ये दृश्य और बालमन एक नए रचना संसार का निर्माण कर रहे होते हैं, जो आने वाले किसी भी समाज और देश की पहली नींव और मजबूत भविष्य का आधार बनाते हैं और मजबूत भविष्य का आधार बनते हैं। कुछ कुछ ऐसा ही नजारा स्कूल के हजारों बालमन के अंदर दिखाई दिया। मौका था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का। ये फेस्टिवल जयपुर के 8 स्कूलों में ये फेस्टिवल जयपुर के 8 स्कूलों में 30 अगस्त तक आयोजित किया गया। जो मूवीज दिखाई जा रही हैं, वो मूवीज बच्चों को सिर्फ यही नहीं बताती कि क्रिएटिविटी कैसे की जाती है या फिल्म कैसे बनाई जाती है, उसके साथ साथ बच्चों में एक अवेयरनेस हो कि किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में, और कैसे उन समस्याओं से या उन चुनौतियों से कैसे वो अपने आप को सुरक्षित ही नहीं बल्कि उनको फेस कर सकते हैं। और मकसद यही है कि बच्चे इन चीज़ों के प्रति सेंसिटाइज भी हों और साथ ही साथ उनमें अवेयरनेस भी आए कि समाज में, दुनिया में, हमारे आसपास में बहुत तरह की अलग अलग घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उसके पीछे क्या कारण होते हैं, उन कारणों को हम कैसे मिटिगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे उनकी जानकारी रख सकते हैं और कैसे अपना एक सभ्य नागरिक का रोल अपना अदा कर सकते हैं। फेस्टिवल के पहले दिन रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। फेस्टिवल के पहले दिन अलग अलग विषयों पर आधारित भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और फ्रांस की फिल्में बच्चों को दिखाई गईं। कई
देशों की कुछ बेहतरीन फिल्में जो समाज को प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, गाइड करती है, इस तरीके की फिल्में आज देख रहे हैं समाज में किस तरीके की नेगेटिविटी पिक्चरें आ रही है और जो सुपर डुपर हिट हो रही है, कितना एक नेगेटिव मैसेज समाज में, बच्चों में, लोगों में जा रहा है। जो आज इस फिल्में दिखाई जा रही है जो एक मोटिवेट है बच्चों को गाइडेंस करने के लिए, समाज के प्रति समर्पित होने की भावना के लिए, एक ऐसे ऐसे मैसेज जो एक प्रेरित करते हैं जीवन में, एक उत्साह, एक उमंग, एक ऊर्जा समर्पित कर सके अपने बच्चा अपने जीवन में। फेस्टिवल आयोजक हनुरोज ने बताया कि बच्चों के लिए इस तरह के फिल्म फेस्टिवल बौद्धिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। जयपुर में हजारों बच्चों को एक साथ 3 दिन में 21 देशों की 55 फिल्में दिखाई गईं। फिल्में भी बच्चों के लिए उनके सिलेबस का ही हिस्सा है। फिल्में ज्ञान का एक मार्ग भी है और समाज के लिए दर्पण भी है। ये 8 स्कूलों में 3 दिन तक 28, 29, 30 अगस्त को, जिसमें 21 देशों की 55 फिल्में हैं जो जयपुर के 8 अलग अलग स्कूलों में दिखाई जा रही है। जो सिनेमा ऑन व्हील्स है, एक पूरा कंटेनर ट्रक है जिसके अंदर प्रॉपर सिनेमा है, प्रॉपर 5.1 सिनेमा है, साउंड है, प्रॉपर स्क्रीन, प्रॉपर सिटिंग है। 3 स्कूलों में सिनेमा ऑन व्हील्स पे फिल्में दिखा रहे हैं। इस तरह से 3 दिन में फिल्म दिखाने के साथ साथ जो फिल्म मेकर्स, फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टार कास्ट आए हैं, वो बच्चों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दो देशों की संस्कृति, दो देशों के सिनेमा पे बात कर रहे हैं। पहले दिन इसकी ओपनिंग सेरेमनी राउत पब्लिक स्कूल में हुई थी जिसमें विजेता फिल्मकारों को पुरस्कार दिए गए थे और 30 तारीख को आखिरी दिन की फिल्में चलने के बाद ये फेस्टिवल समापन हो जाएगा, फिर अगले साल होगा। सूर्य, जो मेरी फिल्म जो 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूरी टीम आई है, हम बॉम्बे से आए हैं सब लोग, और सुर हमारी फिल्म का नाम है। मैं सुर का राइटर हूँ, मैंने एज ए लीड सुर में काम किया है और मैं को डायरेक्टर हूँ फिल्म का, और हमने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हमारी फिल्म को दिखाने का मौका मिल रहा है जहाँ पर मोस्टली सब बच्चे हैं। और हमारी फिल्म इज़ ऑल अबाउट होप। अगर आप देखोगे सुर जो नाम है फिल्म का, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग लाइफ का सुर। फिल्म फेस्टिवल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे हमारी जो देश में जो भी ऑथेंटिसिटी है और ये सब पता चलता है कि हमारे, जैसे अभी हमने मूवी देखी रंग, उसमें दिखाया गया कि जो कितने सेक्युलरिज्म है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिल्म फेस्टिवल दिखाता है स्टूडेंट्स को कि हमारी कंट्री कैसी है और उस कंट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको हम रियलिटी में शो करने की कोशिश करते हैं। फिल्म फेस्टिवल इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमको, जैसे स्कूल्स में हम बैठते हैं, हमको पढ़ाई से थोड़ा और मतलब हमको थोड़ा वो ब्रेक मिलता है और हम फिल्म्स देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स थी, मतलब अभी जो हमारे जो वर्ल्ड में चल रहा है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमको एकदम वैसे मतलब अच्छे से बताई जाती है। फिल्म फेस्टिवल हर बच्चे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उससे बच्चों को सीखने को मिलता है। फिल्म हमें हमेशा ही कोई ना कोई चीज़ सिखा कर ही जाती है। फिल्म देखने से उन्हें उस के डायरेक्शन, प्रोडक्शन के बारे में भी नॉलेज मिलती है, बहुत सारे एरियाज और फील्ड्स के बारे में वो एक्सपोज होते हैं फिल्म फेस्टिवल से। आई लाइक दिस मूवी फेस्टिवल वेरी मच बिकॉज देयर आर वैरायटीज ऑफ मूवी एंड ईच ऑफ द मूवी गिव्स अस अ मॉरल वैल्यू। बच्चों को, महिलाओं को सशक्त बनाने से लेकर आत्मरक्षा और प्रकृति को बचाने वाली फिल्में खूब पसंद आई। वहीं फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कृत भी किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिक्शन फिल्म इटली से इलारिया बोरेली द्वारा निर्देशित द गोट, सर्वश्रेष्ठ लघु फिक्शन फिल्म भारत से सुनील पाल द्वारा निर्देशित रंग, और सर्वश्रेष्ठ लघु एनिमेशन फिल्म भारत से पुंटून किड्स द्वारा निर्देशित भट्टूज लीडरशिप को सम्मानित किया गया। इस तरह के आयोजन बच्चों में रचनात्मकता के साथ साथ फिल्म निर्माण के कौशल को भी विकसित करते हैं। राजस्थानी संगीत पूरे दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता है। इसी तर्ज पे आकाशवाणी द्वारा सुगम संगीत की एक शाम सजाई गई। इसे प्रदेश भर के नामचीन और प्रसिद्ध गायक गायिकाओं को बुलाया गया। जहां एक और सीमा मिश्रा ने राजस्थानी लोक संगीत से समा बांध दिया, तो वहीं मोमिन खान की सारंगी ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन सभी कलाकारों ने संगीत के प्रति एक निष्ठा और कटिबद्धता को लेकर अपने विचार रखे। किस प्रकार संगीत का रियाज किया जाता है, किस प्रकार संगीत आम जीवन में जरूरी है, आइए जानते हैं इन्हीं कलाकारों के मुंह से। हाँ,
अपनी भाषा से प्यार होना चाहिए सबको। जब तक हम अपनी भाषा से प्यार नहीं करेंगे, हमारे लोक संगीत से हमको प्यार नहीं होगा, लोकगीत हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भाषा का ज्ञान होना सबसे ज़रूरी है। जैसा कि मैं हर जगह बोलती हूँ कि घर में अपनी भाषा बोलनी चाहिए, अपने जो शब्द हैं उनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए, तभी उन गीतों का हमको आनंद आएगा। म्यूज़िक में जब हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम गाएँ या सुने, हम उस तरफ ध्यान देते हैं। और सही बात तो है कि साधना जो है वो यही है, वो यही है कि ध्यान लगाना। कहते हैं ना कि ध्यान, वो मेडिटेशन वाली जो बात है वो यही है कि ध्यान लगाओ। तो म्यूज़िक में जब गाते हैं तब भी ध्यान लगाते हैं, सुनते हैं तब भी ध्यान लगाते हैं, तो इसीलिए संगीत को एक थेरेपी का रूप माना गया है। गाना बजाना सीखने से और सुनने से आता है। तो सबसे पहले आता है सीखना। सीखना तभी होगा जब आप अच्छे गुरु से तालीम ले रहे हो और आप पूरा फोकस कर रहे हो और आप दिन भर उसमें डूबे हुए हो, तब जाकर रियाज होता है। और रियाज तभी अच्छा होगा जब आपको एक गुरु अच्छे मिलेंगे, वो आपको बताते रहेंगे और आप तरीके से सीखते रहेंगे। तो रियाज बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं दिन भर रियाज करता रहता हूँ। और मेरे पिताजी वो पद्मश्री आर्टिस्ट हैं, वो अभी भी इतना रियाज करते हैं जो वो पहले करते थे। तो रियाज है तो सब है। आज प्रदेश के युवा पढ़ाई और स्टार्टअप ही नहीं, अभी तो गीत संगीत में भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही नाम है हिमांशु पारेख। हिमांशु का हाल ही में रिलीज हुआ महका गीत दर्शकों और श्रोताओं द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है। महका गीत को हिमांशु पारेख ने न केवल गाया है अपितु प्रोड्यूस भी किया है। इसे पूर्व हिमांशु पारेख ने चांद निसी रात और अनेकानेक डिवोशनल गीत भी गाए हैं, जिनको दर्शकों द्वारा खासा पसंद किया गया। आइए सुनते हैं हिमांशु पारेख का ये फेमस महका सॉन्ग। सप्ताह तो मानो समारोह को ही समर्पित रहा, जहां एक और कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे प्रदेश भर में धूम रही, वहीं दूसरी ओर खेल सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश भर में अनेक अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत बच्चों की छुपी प्रतिभा को निखारने का भी एक मौका मिला। बहरहाल अगले सप्ताह फिर लौटेंगे आपके साथ अनेक विषयों के साथ, नए कार्यक्रमों को लेकर उनकी पेशकश के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।